हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं डीएस देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोबाइल से पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। हाँ तो फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आपको एक ऐप्स का जरूरत पड़ेगा। आप देख लीजिए, ऐप्स का नाम है CS कैम स्कैनर, ठीक है फ्रेंड्स, या गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से कर लीजिएगा आप। उसके बाद आइएगा आपने उसी ऐप्स में, उसको ओपन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद देखिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे में देखिए एक ऑप्शन बता रहा कैमरा का, कैमरा में दबाएंगे ऑप्शन। जैसे आपको जिसको जिसको पीडीएफ बनाना है, इस तरह से आप फोटो खींच लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से एक्सपोर्ट से भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी किया हुआ रहेगा, तो मैं डायरेक्ट खींच के लेता हूँ फ्रेंड्स। एक हो गया फ्रेंड्स, इसको फिर साइज वाइज कर सकते हैं, इससे छोटा बड़ा कुछ भी जिसके हिसाब से कटिंग करके क्रॉप्ट करना लें। क्रॉप्ट करने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है कलर वलर चेंज करने के लिए, वो मैं कुछ नहीं करूँगा। टेक्स्ट भी लिखने का है, सिग्नेचर है, सब कुछ है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद राइट चिन्ह पर क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चल गए। फिर और एक तो करेंगे, जितना भी करना है आप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से और कर लेंगे जैसे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी ऐसे करप्ट कर लेंगे थोड़ा छोटा करके। ठीक है फ्रेंड्स, सजा के इसको भी नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर और एक तो ले लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा कुछ भी। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरह से आपको ले लेना है जिसको जितना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम कर लेंगे, इसको भी कर लिया क्लिक, उसके बाद इसको भी क्रॉप करेंगे इतना सा, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जितना लेना आप ले लीजिएगा, उसके बाद ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए ऊपर में दिखा रहा है पीडीएफ फाइल, ठीक है, और शेयर का बटन है और राइट साइड में थ्री डॉट है। तो पीडीएफ में ओके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ में ओके करने के बाद उसका ऊपर में देखिए शेयर बटन है, इसको शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर बटन में क्लिक कर दिए, फिर व्हाट्सएप में गए, जिसको भी भेजना है पीडीएफ में बन के रेडी होकर चल जाएगा। जैसे मैं किसी को भी भेजता हूँ, ऊपर वाला हम भेजता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए भेजेंगे हम, पीडीएफ बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से पीडीएफ फाइल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए पीडीएफ फाइल बन गया, न्यू डॉक्यूमेंट्स इतना। इसको ओपन करेंगे तो देखिए पीडीएफ में जाएंगे, इस तरह से खुलेगा, देखिए सब उसका आ गया। कुछ भी लिख भी सकते हैं, इस तरह से बन के रेडी। उसके बाद आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से करना है। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।